कभी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की धुरी रही, बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस आम चुनाव के प्रदर्शन के बाद मायावती और बीएसपी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। पिछले कई सालों से यूपी में दलित राजनीति को युवा स्वरूप दे रहे चंद्रशेखर अब सांसद बन गए हैं। उनकी जीत ने सबसे ज्यादा टेंशन मायावती और बीएसपी की बढ़ाई है। जिस काशीराम के नाम पर मायावती की पूरी राजनीतिक विरासत टिकी थी, चंद्रशेखर रावण ने उन्हीं काशीराम को अपना आदर्श बनाकर पॉलिटिक्स की। इसका असर ये हुआ कि अब चंद्रशेखर उत्तर भारत की राजनीति के नए चेहरे के तौर पर उभरते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ जहां नगीना की जीत से चंद्रशेखर का कद बढ़ा है, तो वहीं मायावती के लिए खतरे की घंटी भी बज उठी है। उत्तर भारत में दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार जमाए रखने वाली बसपा का वोट बैंक न सिर्फ छिटका, बल्कि ये इंडिया गठबंधन और चंद्रशेखर की पार्टी की तरफ शिफ्ट भी हो गया। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस ने कमाल किया, आजाद समाज पार्टी ने खाता खोला, तो वहीं बसपा का सूपड़ा सूबे में साफ हो गया। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।